सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? एकदम मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपनी तैयारी को चार चांद लगाते रहो। तो आज है 20 दिसंबर 2022 और 20 दिसंबर के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सुबह की ताज़ा आपको मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि डेली में आपको लाइव क्लास 7 बजे मॉर्निंग में आपको मिलती है लाइव क्लास, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है अपने देश भारत ने। और किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया? तो वो बनाया है टोक्यो ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इस साल के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगे शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क है और सिंगापुर, ये दोनों सबसे महंगे शहर हैं। कौन सी कंपनी पुरुष विश्व कप के लिए हॉकी इंडिया के साथ आधिकारिक समझौता किया? और वो है टाटा स्टील। किस देश से भारत को राफेल का 36वां और आखिरी विमान मिला है? वो मिला है फ्रांस देश से। और 13 दिसंबर को किन वस्तुओं को जियोग्राफिकल यानी कि GI टैग मिला है? एक तो है गमोचा, दूसरा है तंदूर रेड ग्राम और तीसरा है खुम्बानी, इन तीनों को मिला। अटल नवाचार मिशन और UNDP इंडिया ने युवा उद्यमियों के लिए 5वां यूथ कोलैब कब लॉन्च किया? 15 दिसंबर को। 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? सिंडी हुक को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल मैंने आपको टाइम नहीं मिला, क्विज भी नहीं मिली आपको, तो PDF मैंने आपको इसकी टेलीग्राम पर दे दी है। तो स्टार्ट करें, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास, आज का पहला क्वेश्चन। आज बड़े ही शानदार मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल में किसने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। हाल ही में किसने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? और वो है सरगम कौशल। कौन है? सरगम कौशल। इन्होंने पहले 2001 में एक मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। अब इन्होंने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देखो पूरी डिटेल, भारत ने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजा लिया है। लास वेगास में आयोजित हुआ मिसेज वर्ल्ड 2022 पिजेंट में सरगम कौशल ने 63 देशों से आई खूबसूरत हसीनाओं को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब जीता है। और ये जो खिताब जीतने वाली है मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल, ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि इनका किस राज्य से इनका संबंध है, तो जम्मू कश्मीर से। और भारत ने 21 साल बाद क्या है मिसेज वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजा लिया। किसने जीता है? तो ये जीता है सरगम कौशल ने। दूसरा क्वेश्चन, हाल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? और ये आपको सभी को पता होगा कि फाइनल में जो है अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फाइनल खेला गया और ये खिताब जीता अब की बार है अर्जेंटीना ने। कितने? अर्जेंटीना ने खिताब जीता है। देखो कतर में इसका आयोजन किया गया, आपको पता है। विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया और वह 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा है। कौन है? अर्जेंटीना ने क्या है 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा। पहले उन्होंने 1978 में जीता, उसके बाद में 1986 के बाद, अब तीसरी बार खिताब को अपने नाम में कर लिया है। वहीं फ्रांस का लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह चुका है। यानी कि फ्रांस क्या है, दूसरी बार अगर ये चैंपियन जीत जाता तो फ्रांस दूसरी बार ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाता, लेकिन ये हार चुका है फ्रांस। और अर्जेंटीना ने क्या है 36 साल बाद विश्व कप जीतने में सफल रहा है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन, कौन से खिलाड़ी साल 2022 में ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन से खिलाड़ी साल 2022 में ऐसे एथलीट बन चुके हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए? और वो है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। कौन है? ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। देखो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर
और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। नीरज साल 2022 में ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए और बोल्ट भी नीरज से पीछे छूट गए, यानी कि हुसैन बोल्ट हैं सबसे पहले वो चल रहे थे लेकिन इनको अब पीछे छोड़ दिया है नीरज ने। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर इस साल 812 आर्टिकल लिखे गए हैं। कितने? 812 आर्टिकल लिखे गए, पूछा जा सकता है ये भी। और किसने खास उपलब्धि हासिल की है? नीरज चोपड़ा ने। पीछे किसको छोड़ दिया? हुसैन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया। चौथा क्वेश्चन, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? भारत का इसमें तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। देखो, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिया गया है और जो चीन है वो सबसे अधिक संख्या में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में दुनिया का नेतृत्व करता है। तो टॉप पे चीन चल रहा है, उसके बाद में अमेरिका और भारत का इसमें तीसरा स्थान है विश्व स्तर पर। ये आपको इतना ही याद रखना है, किसमें? वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में। पांच नंबर प्रश्न, देखो, किस संगठन ने पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन सवोट लॉन्च किया है? सवोट लॉन्च किया है, यानी कि किस संगठन ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन है सवोट, इसका नाम याद रखना, ये लॉन्च किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो, अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और है एक और है फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एटूडेस स्पेटियल्स CNES ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी पानी को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सवोट मिशन लॉन्च किया है। इसकी है सवोट का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी लॉन्च किया है और सवोट उपग्रह को 16 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लगभग ज़्यादातर क्या है? उपग्रह हुए या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित करंट के तौर पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये खास तौर से आपको याद रखना है, नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया, कब? 16 दिसंबर को। छठा क्वेश्चन, देखो, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया? हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव को कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। देखो, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति श्रीमती द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय को जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय दर्जा इसको दिया गया था। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि अश्विनी वैष्णव को क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। सात नंबर क्वेश्चन, किस देश ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है? और ये की है अपने देश है भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है। देखो, भारत ने 2028-29 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है वो भारत है को दिसंबर 2022 के लिए मिली है और भारत के पास 31 दिसंबर तक ये अध्यक्षता रहेगी, यानी कि 2022 31 दिसंबर तक ये इसके पास अध्यक्षता रहेगी। आठ नंबर क्वेश्चन, वित्त मंत्री हैं अपनी निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता कहां पर की? नई दिल्ली के अंदर। कहां पर की है? हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक के लिए नई दिल्ली के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की है। बस आपको इतनी ही चीज़ है, दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की है, ये आपको इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के रूप में पहचाना गया है? अभी रिपोर्ट आई है खाद्य सुरक्षा सूचकांक की 2022 की, उसमें कौन सा देश है जो सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के रूप में पहचाना गया? और वो है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। देखो,
ग्यारहवां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक तीसरे वर्ष के लिए वैश्विक खाद्य पर्यावरण में गिरावट है दर्शाता है, यानी कि अभी की बार जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, वैश्विक खाद्य पर्यावरण में गिरावट आई है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका ने अफ्रीका में सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश बनने के लिए ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ दिया है और दक्षिण अफ्रीका का इसमें 59वां स्थान है। अब अफ्रीका का तो दक्षिण अफ्रीका का इसमें 59वां स्थान है, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ने क्या है सबसे अधिक खाद्य सुरक्षा को देश में पहचानने के लिए पहचान बनाई है दक्षिण अफ्रीका ने, और इसने ट्यूनीशिया को पीछे छोड़ दिया है। स्थान कौन सा है, 59वां स्थान। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस राज्य के बीच फोरम को देश का पहला कार्बन तटस्थ फोरम घोषित किया गया, ये किया गया है केरल राज्य को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली, इंदौर, गांधीनगर, भोपाल, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने डिमांड की थी कि कुछ दिन के लिए आपने यश डोज शुरू की थी लेकिन अब वापस आपने गायब कर दी है। अब इसका एक कारण ये है कि अभी आपको पता है जो नाना क्लासेस आपको जो बुक आने वाली है, जो अभी 21 या 22 दिसंबर को बाज़ार में आपको लिए बुक आने लग जाएगी, थर्ड ग्रेड स्पेशल आपको जो RBCU का मैटर है वो हमने तैयार किया है, उसमें हम 2-3 दिन हो गए उसमें लगे हुए हैं, इस वजह से आपको यश डोज नहीं मिल पा रही। और उसके बाद में आपको पता है जो वार्षिक अंक मिलेगी राजस्थान करंट अफेयर्स की पूरे बूस्टर डोज के साथ, उस पर भी हमारा जो कार्य चल रहा है, हम और हमारी टीम पूरी उस पर कार्य पर लगे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। आप थोड़ा कुछ दिन के लिए वेट करो क्योंकि आपके लिए पुस्तकें बहुत ज़रूरी है, ये हम आपके लिए मैटर तैयार करते हैं तो हमें तैयार करना पड़ता है, हमारी पूरी टीम है जो हमारे साथ लगी हुई है। तो यहाँ पे अभी आपको कल या परसों तक ये बुक आ जाएगी, उसके बाद में दिसंबर के अंत तक आपको राजस्थान की जो वार्षिक अंक करंट अफेयर्स की बुक है वो भी आपको मिलने लग जाएगी, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से हमें आपको यश डोज नहीं दे पा रहे। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।